तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अंदर न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो अपने इस वाले पेयर के ऊपर होने वाला है, क्योंकि जो ये वाला हम लोग का पेयर है, इसने अभी हाल ही में जो है 8 अंडे ले किए थे, जिसको मैंने 2-3 दिन बाद चेक किया तो एक अंडा इसमें से फूटा हुआ मिला। और काफ़ी दिन हो गए थे एग ले किए हुए, तो आज मैंने सोचा क्यों ना इनकी जो है एग हैंडलिंग की जाए, अंडों की जाँच की जाए कि अंडों में बच्चे बने हैं या क्या सीन है। तो चलिए चलते हैं, एक करके जो है सभी अंडों को चेक करते हैं और आपको फिर बताते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जस्ट मैंने ये 4 अंडे निकाले और देखे कि चारों अंडे जो है बच्चे बने हुए थे और बच्चे एक्सपायर हो गए हैं, और बाकी ये 3 अंडा मुझे ताज़ा लगा तो मैंने इसको इसी के नीचे डाल दिया। बाकी आप ये वाला पेयर देख सकते हो, लुटिनो की फीमेल है और ग्रे का मेल है। मेटिंग बराबर चल रही है, एक भी ले किए थे, 8 अंडे दिए थे, बट 8 में से 4 में बच्चे भी बने थे और 4ों में बच्चे जो है डेडिंग शेल हो गए हैं। और बाकी ये 3 अंडे ताज़े लग रहे हैं, जिसमें से एक फर्टाइल लग रहा था, बाकी 2 बिल्कुल ताज़ा लग रहा था, तो मैंने छोड़ दिया है। बाकी आप ये 4 अंडे देख सकते हो, 4ों में बच्चे बने हुए हैं और बच्चे मरे हुए हैं। तो आप देख सकते हो आधे अंडे जो है काले हुए हैं, 2 अंडे को दूर से अगर मैं दिखाऊं फ्लैश ऑफ करके तो आप देखना कि उस। बाकी मैं अभी लास्ट में आप लोगों को एग को जो है फोड़ के भी दिखाऊंगा कि बच्चे एक्चुअल में मरे हैं या क्या सीन है, बच्चे बने हैं कि नहीं, किस भी हाँ पे हम लोग कहते हैं कि जो है एग में बच्चे मर गए या एग ख़राब हो गए। इसीलिए कहा जाता है फ्रेंड्स कि जो है आपको बर्ड जब एक पहला एग ले करे उस दिन की डेट याद रखनी चाहिए, लिखनी चाहिए बॉक्सेस पे, और उसके जस्ट 21 दिन या 25 दिन पूरे होने के बाद जो है अंडों को चेक करना चाहिए। 10 दिन तो बाद आप चेक कर सकते हो कि अंडे फर्टाइल है या नहीं, और 21 दिन बाद 25 दिन बाद आप जो है अंडे को अगर बच्चे नहीं निकल रहा है तो उसको हटा सकते हो, चेक कर सकते हो। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं, आपको दिखाता हूँ कि मैंने किस बिहाफ पे कहा कि एग ख़राब है। जैसा कि आप देख सकते हो ये 4ों एग है, यही 4 एग हैं जो अभी हम निकाले हुए हैं। तो चलिए एक एक को मैं फोड़ करके आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में क्या बच्चे बने हुए हैं या नहीं बने हुए हैं। तो एक नुकीलीदार चीज़ ले लेते हैं, जिसे धीरे धीरे करके एक्स के सेल को जो है फोड़ते हैं और अलग करके जो है आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो बनाने वाला कोई नहीं, अकेले ही वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा, बाकी बेहतर से बेहतर कोशिश करूँगा दिखाने की। तो एग को मैंने जो है फोल्ड किया और आप देख सकते हो, हाँ जी फ्रेंड्स, इसमें बच्चा बना हुआ था एग की, जो लगभग लगभग 12 दिन के प्लस जो है एग हो चुका था। ये देखिए फ्रेंड, बच्चा बनना इसमें स्टार्ट हो गया था और बच्चा थोड़ा सा बन भी गया था, और उसके बाद ही जस्ट ये डेड इन सेल हो गया है। तो मैं निकाल के भी आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, जो मैं उठा रहा हूँ ये बच्चा ही है फ्रेंड्स, ये बच्चा ही बना हुआ था और जो है वो एक्सपायर हो गया है। तो चलिए दूसरे अंडे को भी फोड़ के मैं आपको दिखाता हूँ, बारी बारी से सभी अंडों को मैं फोड़ के आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस अंडे में कितना बच्चा बना हुआ था और उसके बाद जो है अंडा डेड इन शेल हो गया था। तो अभी ये सेकंड अंडा को मैंने फोड़ा है और इसको मैं दिखाता हूँ। थर्ड एग की भी सेम कंडीशन है जैसे सेकंड अंडे की है, तो उसको भी जो है मैं फोड़ के साइड कर देता हूँ। और वीडियो थोड़ा सा लंबी हो रही है तो ज़्यादा डिले ना करते हुए जिस एग में पूरा बच्चा बना हुआ था उस वाले अंडे को फोड़ता हूँ और दिखाता हूँ कि बच्चा कितना बना हुआ था। और जो मैंने बताया था शुरू में कि देखिए एग्स जो है काले पड़ गए हैं, तो वो किस बिहाफ पे बताया था उसको मैं पहले अंडे को फोड़ लेता हूँ, उसके बाद मैं दिखाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 4था अंडा था, इसको मैंने जो है फोड़ लिया है और इसको फोड़ने के बाद आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, बच्चा ऑलमोस्ट पूरा बन चुका था, एक जो है लगभग 15 दिन से 18 दिन के बीच का एग हो चुका था और बच्चा ऑलमोस्ट पूरा बन भी गया था, उसके बाद ये डेड हुआ है, इस वजह से ये पूरा काला हो गया है। और इसीलिए अंडा आपको जो मैं बता रहा था आधा अंडा काला दिख रहा है, इसी वजह से दिख रहा था। यही थी वीडियो, और 4ों अंडे को मैंने फोड़ के आपके सामने सारी कंडीशन रख दी और अच्छे से समझाने की कोशिश भी की, और उम्मीद करता हूँ थोड़ा ना थोड़ा बहुत आपको हेल्पफुल होगा आगे आने वाले टाइम के लिए। तो फ्रेंड्स, यही थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपना प्यार सपोर्ट इस तरह बनाए रखिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।